वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स अड्डा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो कंडक्ट हुआ था 1 फरवरी 2017 शिफ्ट 3 में। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन हमसे फैक्टराइजेशन चाह रहा है, तो हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। हमें एक द्विघाती समीकरण दे रखी है, उसका जो लास्ट में कांस्टेंट है वो है -14। अब हमें -14 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ने पे तो 5 आ जाए और गुणा करने पे -14 आ जाए। तो दो संख्या कौन सी हो सकती है? हमें मालूम है 7 × 2 = 14। अगर हम 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ जाएगा, अगर हम 7 से 2 घटा देंगे तो प्लस का 5 बचेगा। तो हमारा दो फैक्टर क्या होगा, एक तो x+7 और एक x-2। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर तीसरा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी द्विघाती समीकरण का ही है। हमें द्विघाती समीकरण को फॉर्म करना है, बनाना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है मूलों का योग दे रखा है 1 और मूलों का गुणनफल दे रखा है -20। तो समीकरण क्या होगी? तो जब भी हमें योग और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघाती समीकरण कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। x² - योग x + गुणनफल = 0। तो जो भी हमें मूलों का योग दे रखा होगा उसको x के साथ लिख देंगे। तो एक बार समीकरण लिख लेते हैं। तो माइनस मूल का योग दे रखा है 1, तो x आ जाएगा, 1 × x ही रह जाएगा, और गुणनफल -20 दे रखा, तो -20 = 0 हमारी इक्वेशन बन गई। देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 434 किलोमीटर ट्रेवल करता है रेल से और जहाज से। तो लिख लेते हैं स्टीमर और ट्रेन। ठीक है, और बोल रखा है कि स्टीमर से वो 8 घंटे ज़्यादा ट्रेवल करता है ट्रेन से। अगर उसने ट्रेन से x घंटे ट्रेवल किया होगा तो स्टीमर से क्या होगा, 8 + x। हमें स्पीड भी दे रखी है, स्टीमर की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की है 65 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि वो स्टीमर से जहाज से कितनी देर तक चल रहा था। फ्रेंड्स, हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, x की वैल्यू मन से मान लेनी है ताकि क्वेश्चन जल्दी आ जाए। अगर हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार ही हम इसको 2 ले लेते हैं x को। अगर हमने x को 2 ले लिया तो यहाँ पे टाइम 10 हो जाएगा। तो देखो, टाइम अगर 10 हो जाएगा तो 25 की स्पीड से 10 घंटे में कितना चलेगा, 250। ठीक है, और ये 2 की स्पीड से अगर जाएगा तो 2 घंटे में चल जाएगा 130। तो क्या ये 434 के आसपास आ रहा है? ये हो रहा है 380, यानी कि ज़्यादा टाइम चलना चाहिए वो ट्रेन में। अगर हमने इसको 3 कर दिया तो ये कितना चल जाएगा, 65 और जोड़ दो 185, और यहाँ पे 25 जोड़ दो 275। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हमने अब इन दोनों को जोड़ दिया ना तो ये कितना हो जाएगा, 185 और 275 460 हो गया। कहने का मतलब ज़्यादा चला गया। इसका मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो ट्रेन में 3 घंटे से थोड़ा सा कम चला होगा, 2 घंटे से ज़्यादा चला होगा। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा ना वो 275 से थोड़ा सा ही छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 30 किलोमीटर का फ़र्क है। तो यानी कि 75 से कम आएगा, तो 75 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वैसे मैं आपको इसका पूरा मेथड बता देता हूँ। वैसे भी हमने ऑप्शन देख लिया है, मैं बस आपको मेथड बता रहा हूँ, पेपर में उससे नहीं सॉल्व करना। पेपर में तो ऐसे ही करेंगे तभी हम जल्दी कर पाएंगे, वरना। और जिसका असली मेथड है मैं आपको वो बता देता हूँ। ऐसे ये ऐसे होगा 25 × x + 8 + दूसरे इक्वेशन क्या दे रखिए, 65x = 434। मैंने दोनों की डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया टोटल डिस्टेंस के साथ। अगर हमें पहले हमें जब सॉल्व करना पड़ेगा तो पहले हमें यहाँ से x निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी निकालना है उसके x की वैल्यू पुट करने के बाद हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है दीपक ने जयचंद को 13 वर्ष के लिए 8800 रुपये उधार दिए हैं और कपिल को उसी दर से 5500 रुपये उधार दिए 12 वर्ष के लिए, और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 14432
रुपये प्राप्त किए, वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, हमें ये मालूम है कि दोनों के टाइम अलग अलग हैं और मूलधन भी अलग अलग है, मगर जो दर थी ना दोनों की वो सेम है। तो हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे सौ, मूलधन गुणा दर गुणा टाइम बराबर बटे सौ बराबर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। मगर यहाँ पे दो पार्ट्स में है तो ऐसे दो फार्मूले लग जाएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो मूलधन है अभी 8800 इंटू समय है 13 और दर अपने को पता नहीं, एक्स ले लेते हैं बटे 100 प्लस 5500 गुणा 12 इंटू एक्स, क्योंकि दर दोनों में सेम ही है तो मैंने दोनों को एक्स ले लिया बटे 100 और इसका योग आ रहा है 14432। तो दो जीरो से दो जीरो शहीद होगा, यहाँ पे भी सेम केस हो जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ से मिल जाएगा 88 इंटू 13 और यहाँ पे मिल जाएगा 55 इंटू 12। तो एक बार मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, 88 इंटू 13 8 2 24 2 8 2 24 2 26 और 88 4 8 6 14 हाथ से लेकर 8 2 11 1144 और 55 इंटू 12 कितने होते हैं, 55 इंटू 12 5 दो 10 हाथ से लेकर 11 और 55 0 5 6 660। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो 1144 और 660, 4 6 4 10 6 7 8 1804 एक्स बराबर 14432। अब देखो फ्रेंड्स, हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। अगर हम चार के पहाड़े में देखें तो चार के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करें कि आखिरी में 32 आ जाए, 32 ही तो है, 8 4 32 यानी कि हमारा आंसर 8 होगा, क्योंकि पॉइंट वाइंट में तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें चार ऑप्शन में से सिलेक्ट तो करना है। तो 8 4 32 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। पेपर में हमें ये पूरा करके नहीं देखना, पेपर में डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है क्योंकि 100 से तो दो दो कटे जाएंगे, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, 88 इंटू 13 प्लस 55 इंटू 12 इनका सम करेंगे और इसको पुट कर देंगे 1400 मतलब 14432 के बराबर। डायरेक्ट ये स्टेप करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, पेपर में डायरेक्ट ये स्टेप करना है, इन दोनों का एडिशन डायरेक्ट लिखना है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस चीज़ का है, ओके इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। दो इक्वलिटीज़ दे रखी हैं हमें, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। एक बार देख लेते हैं दूसरे वाली इक्वलिटी क्या कह रही है। वो कह रही है एक्स माइनस टू इज स्मॉलर और इक्वल टू 6 प्लस 2x। तो x की टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर से एक तरफ ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स इज ये प्लस 2x, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो x जो है कुछ गड़बड़ तो नहीं करती मैंने, x माइनस 2 ठीक है, यानी x जो होगा वो हमारा माइनस 8 से बड़ा होना चाहिए। ओके, ये तीनों ही बड़े हैं तो ये ख़त्म हो गया क्योंकि माइनस 10 तो माइनस 8 से छोटा है, तो दूसरी इक्वलिटी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। देख लेते हैं एक बार दूसरी इक्वलिटी को, दे रखा है 3x माइनस 3 स्मॉलर देन 3 प्लस एक्स बटे 2। इस 2 को इधर भेज देते हैं ताकि ईजी हो जाए, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 6 इज लेस देन 6 प्लस एक्स। अगेन वही x की टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा 5x इज लेस देन 12, तो x इज लेस देन 12 बटे 5 यानी कि जो हमारा आंसर होगा ना वो 2.4 से छोटा होना चाहिए। एक ही है ऑप्शन नंबर 2। दो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ए नंबर एंड ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल इज 33/11। कोई गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग 13/4 है। okay. अगर हम नंबर को x मान लें तो x प्लस 2/x का योग कितना दे रखा है 33/4। अब फ्रेंड देखो, इस वाले नंबर को इससे कंपेयर करते हैं, हमें x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको 2 से भाग करने पे नीचे 4 आ जाए, तो वो एक ही है 8। अगर हमने इसको ले लिया 8 + 2/8 तो ये 4 आ जाएगा ना, तो तभी तो एलसीएम 4 बचेगा, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके हमें बता रखा है बिंदु पी और क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजा क्रमशः बना लेते हैं, ए बी सी पी क्यू, ठीक है। ये दे रखा है ए बी में पी है और ए सी में क्यू है और पी क्यू बी सी के समांतर है, पैरेलल है। अगर ए पी क्यू और ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो 25:36 है, अगर इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 है और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है टोटल, यानी इस नीचे वाले का कितना हो जाएगा 11 क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें क्या है ए पी और पी बी इन दोनों के लंबाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। हमें एक फ्रेंड से एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो हमें अगर पता हो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा पहले ए पी क्यू, पहले ऊपर ए पी क्यू लिख देता हूँ, ए पी क्यू ए बी सी इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, जो उनकी भुजा होती है ना उनके वर्ग के बराबर होती है। तो पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, हमें ए बी सी का क्षेत्रफल मालूम है 36, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा ए बी। ये भुजा ए बी है, इसका वर्ग बटे ए पी के भुजा के वर्ग का जो अनुपात होगा वही उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अपने को दोनों का अनुपात मालूम है, ये ए पी दे रखा है, ए पी क्यू दे रखा है 25 और ए बी सी दे रखा है 36। मैंने इतने से का लिखा है 11, ठीक है ना, ये मैं सोचना मैंने पूरे का 11 लिखा है, इतने से भाग का क्षेत्रफल 11 है, ठीक है। तो ए पी, ए पी का वर्ग अपॉन ए बी का वर्ग, तो ए पी कितना आ जाएगा, ए पी आ जाएगा 5 और ए बी आ जाएगा 6। तो अपने को निकालना क्या है ए पी और पी बी का अनुपात। अब हमें मालूम है जो हमारा ए बी है वो क्या है, ए पी प्लस पी बी, ए पी आया है हमारा 6, ए बी मतलब 6 है, ए पी आया है 5, तो पी बी बचा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, और ए पी अनुपात पी बी निकालना है अपने को, तो 5:1 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 6/5 और 3/7, 6/5 और 3/7 के व्युत क्रम के योग का व्युत क्रम क्या होगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी प्रयोग संख्या दे रखी है पहले उसका व्युत क्रम करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 6/3 और 3/7, इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसका, अच्छा ये 7/3 होगा, इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी ना उसका दोबारा व्युत्क्रम करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम 6 या 6 का मल्टीपल होगा जो लास्टली आंसर आएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका जो ऊपर 6 का मल्टीपल होना चाहिए ऊपर और नीचे से अपने को मतलब नहीं है। तो ऊपर देख लो 6 का मल्टीपल किस में है, 57, 6 का मल्टीपल नहीं आंसर नहीं हो सकता, और हमारा 35 भी 6 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आ गया, 18 6 का मल्टीपल है और यही आंसर होगा। अगर हम इसका पूरा हम इसको सॉल्व कर भी लेते तो हम कैसे करते देख लेते हैं एक बारी। अरे यार पेन आ जा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करने के लिए जाते तो हम कैसे करते हैं? आपको वो बताने वाला हूँ। 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 3 15 प्लस 7 6 42 और यहाँ पे 18, तो ऊपर 18 क्योंकि हमें इसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट व्युत्क्रम लिख रहा हूँ, 5 2 7 4 1 5, आप देखो आंसर आ गया हमारा 18/57। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, एक मजदूर एक काम को 36 घंटे में करता है, यानी उसकी काम करने में लगेंगे 36 घंटे, वह 9 घंटे काम करके विराम लेता है तो भाग कितना बाकी होगा कार्य का। उसने 9 घंटे काम किया जबकि काम करना चाहिए था 36 घंटे, तो काम हो कितना गया होगा 1/4। अगर 4 काम का एक भाग हो गया हो तो 3 भाग बाकी है, और 3 भाग मतलब कितना होता है 75% या 0.75, आंसर आ गया हमारा 0.75, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट्स स्लोप इज -3/7 एंड इट पासिस थ्रू 5-2 इज। ओके फ्रेंड्स हमें मालूम है कि इक्वेशन अगर किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, और लाइन अगर दे रखी हो तो उसका स्लोप होता है -x/y, और -x/y का जो मान दे रखा है वो दे रखा है -3/7, तो इस माइनस से माइनस शहीद हो गया, मतलब इक्वेशन में x का मान होगा 3 और y का मान होगा 7 और ये दोनों प्लस के होंगे। तो देख लो दोनों प्लस के किस में है, एक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और एक ऑप्शन नंबर 3, बाकी में तो x प्लस का है y माइनस का, तो ये आंसर नहीं हो सकते दोनों। ठीक है अब हमारा जो भी आंसर होगा उसमें ये वैल्यू पटक दो जिससे सेटिस्फाई हो जाएगी वो आंसर हो जाएगा। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो x का मान दे रखा है 5 और y का मान दे रखा है -2 रख देते हैं, तो 3 × 5 + 7 × -2, तो 5 × 3 = 15 -14 आता है 1, मगर यहाँ पे दे रखा है 29 जो कि 29 के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर अपने आप ही आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अगर एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है तो उसकी भुजाओं की संख्या बताएं। भुजाओं के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 × 180, आंतरिक कोणों का योग और उसका मान कितना रखा 1440। ठीक है इस जीरो से ये जीरो शहीद हो गया, अब n-2 = 144 × 18, तो 18 × 8 = 144, तो n = 8 + 2 = 10, आंसर आ गया 10 भुजाएं हैं। n होता क्या है, n होता है भुजाओं की संख्या किसी भी बहुभुज के अंदर, किसी पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स को हम n से शो करते हैं, तो आंसर आ गया 10। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पे 20% की छूट दी गई, फिर हमने अगेन 30% का प्रोमो कोड लगा दिया, तो कुल कितनी छूट मिली होगी। पहले हमें मान लीजिए पहले 100% सामान था, हमें ऑलरेडी 20 की छूट मिल गई, तो हमें 80% पैसा दिया होगा, मगर लालच के चलते हमने 30% प्रोमो कोड के सहारे लेने की कोशिश करी, तो प्रोमो कोड से क्या हो जाएगा, प्रोमो कोड जो होगा ना वो इस पे डिस्काउंट देगा 80 पे, तो हमें मालूम है 80 का 10% होता है 8 रुपये, तो 30% होगा 24 रुपये, तो हमें 24% की छूट और मिल जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले 20 मिल रहे थे अब अगेन 24 मिल गए, तो 20 और 24 होते हैं 44, आंसर आ गया 44% ऑप्शन नंबर पहला। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। भुजा दे रखी है 15, तो अपने को h निकालना है। ठीक है h होता है √3/2a, h क्या है इस भुजा की हाइट एल्टीट्यूड इसका, और a है भुजा का माप, अपने को a दे रखा है, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा √3/2 × 15, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन ओके दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के योग के 60% थे। ओके फ्रेंड्स अगर एक के 60% थे योग के, तो दूसरे के योग के 40% होंगे, दे रखा है प्रश्न में योग का 60%, यानी कि 60% एक के और 40% दूसरे के, और दोनों को हम अगर काट दे तो 3:2 आता है, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा ना वो 3:2 में दे रखा होगा, देख लो हम, और उनके बीच का अंतर भी दे रखा है 19, यानी कि अब देखो 3 और 2 के बीच में अंतर 1 का ही है, यानी x का मान 19 है, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 19 × 57 और 19 × 2 = 38, आंसर आ गया 57 और 38 ऑप्शन नंबर दूसरा।
देखो ये दो तीन अनुपात दो में भी दे रखे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। ये कह रहा है किसी गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल 41.58 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर एक अर्धगोला है उसके कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 3π r² जो अपने को 41.58 दे रखा है, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2π r² जो अपने को निकालना है। कहने का मतलब 3π r² का मान दे रखा है, 2π r² का मान निकालना है। इस पाई स्क्वायर को काट ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ज़रूरत है ही नहीं अपने को। और इस 41.58 को 42 मान लो, यानी तीन एक्स का मान 42 है, अपने को 2x का मान निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 42/3 1x का मान आ जाएगा, अब निकालना किसका, 2x का, इंटू 2 कर दो, 28 के आसपास आंसर होगा। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है और ये हमसे पूछ रहा है कॉट -5π/4 की वैल्यू। माइनस का मतलब है कि वो अभी घड़ी की दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉक का हम मेजर करते हैं, तो ये अभी घड़ी की दिशा में है। तो जो भी हमारा इसको सॉल्व करके एंगल आएगा उसको 360 से माइनस कर देंगे तो वो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो 45 × 225 यानी कि कॉट -225 का मान निकालना है। तो हम इसको 360 से माइनस कर देते हैं, 360 - 225 बराबर कितने हो गए, 135। तो हमें कॉट 135 का मान निकालना है, और कॉट 135 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 + 35 45, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, जब भी रेशियोज 90 या 270 के साथ होते हैं उनका रेशियो चेंज होता है, तो ये बन जाएगा 10/45। अब एंगल कितना आया था हमारा नया, कॉट 135, यानी कि जो भी क्वाड्रेंट होगा, जो भी वो कोण होगा, वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और द्वितीय चतुर्थांश में खाली साइन और कॉसेक पॉजिटिव में होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव में होते हैं। तो हमारा है क्या कॉट, तो जो भी आंसर आएगा हमारा माइनस में आएगा, यानी कि 10/45 माइनस में हमारा आंसर हो जाएगा, और 10/45 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके अगला क्वेश्चन दिखने में तो सिंपल ही लग रहा है, इनफैक्ट बहुत ही सिंपल है। मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया था, जब भी इस तरह से इक्वेशन दे रखी होगी और अपने ABC निकालना होगा तो पहले वाले को काट दो, तो 12 × 13 होता है 156। तो देख लो पहला 156 किस में, ऑप्शन नंबर 3 अपने आप ही आंसर आ गया। दूसरा भी देख लेते हैं, अगर दूसरा निकालना हो तो 13 × 65, और अगर तीसरा भी निकालना हो तो 12 × 60, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दे रखा है, हमें उसमें एंगल की कोई वैल्यू माननी पड़ेगी। तो अभी हम एंगल की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री। तो हमें प्रश्न में दे रखा है cos A/2 यानी कि cos 30, और cos 30 होता है √3/2। तो x की वैल्यू आ गई √3/2, यानी कि जो भी आंसर होगा उससे √3/2 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, हमें पहला ऑप्शन दे रखा है 1 - cos 60, क्योंकि अभी हमने a को 60 लिया था, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, अब इस पूरे का बटे दो और अंडर रूट में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 - 1/4 अंडर रूट का। तो यहाँ तो 1/4 अंडर रूट का, यानी कि 1/2 आ रहा है, इससे तो नहीं आ सकता, ठीक है। हमें अगर ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, क्योंकि इसी से अंडर रूट 3 आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो 1 + 1 हम डायरेक्ट यहाँ प्लस कर देते हैं, तो 2 + 1 √4, तो ये हो जाएगा √3/4 या फिर √3/2, और यही हमारा आंसर आना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके 72 छात्रों के औसत अंक 69 है,
इसमें 54 अंकों के बजाय 45 अंकों की गलत प्रविष्टि हो गई थी, यानी कि अंक आए तो थे किसी एक बच्चे के 54, उसकी जगह हमने चढ़ा कितने दिए 45, तो सही औसत कितना होगा? कहने का मतलब जो नया औसत होगा ना वो पहले से बढ़ जाएगा क्योंकि बच्चे के अंक कम चढ़े हुए हैं। और अंक हैं कम कितने, 54 माइनस 45 ये कितने होते हैं, 9। कुल बच्चे थे 72, अब 72 बच्चों को 9 अंक दिए जाएंगे तो 9/72 यानी कि 1/8, और 1/8 क्या होता है, 0.125। ठीक है, अब 60 यानी 0.125 जोड़ दो क्योंकि पहले 69 थे, अब इसमें इतना परसेंटेज मतलब इतना एवरेज ऐड हो जाएगा तो 69.125 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ ए डिश वॉर विद ए वैक्यूम क्लीनर वॉज इतना। वैक्यूम क्लीनर और डिश बार का कुल योग 78,750 है। वैक्यूम क्लीनर को 37% के लाभ पर बेचा गया यानी कि 137 रुपये में बेचा गया, ठीक है, और जो डिश बार है उसको 27% की हानि में बेचा गया यानी कि 73% में बेचा गया। यदि दोनों वस्तुएं समान प्राइस में बेची गई हों तो सस्ती वस्तु का मूल्य निकालें। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे जो पैसा आएगा ना और इससे जो पैसा आएगा उन दोनों का मूल्य बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है बस। जैसे 73, हाँ हमने अभी कैलकुलेट की जो प्रश्न में दे रखा है, तो वो 73 आ जाएगा वैक्यूम क्लीनर के पास और 137 पहुंच जाएगा डिश बार के पास। कि अब देखो 73 VC, क्योंकि परसेंटेज है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को, और डिश बार के साथ आ जाएगा 137। तो देखो छोटा कौन सा दिख रहा है, वैक्यूम क्लीनर छोटा दिख रहा है ना, तो कम तो सस्ता यही होगा, जिसके साथ बड़ा परसेंटेज होता है ना वो ज़्यादा महंगा होता है, तो अपने को सस्ते सस्ती वस्तु का मूल्य निकालना है। तो सस्ती मूल्य है कितनी, 73x, और महंगी की है 137x। तो अब हमें कैलकुलेट करना है 73 का मान, तो 73x/37 और 73 होते 210, 210x गुणा 78750, तो इस जीरो से ये जीरो शहीद हो गया। अब अपने को इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये एक ज़रूर कट जाएगा इससे, तो 21 21 तीये 63, ठीक है, तो हम एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बच गया 13, 7 7 और 5, 375 बार कट गया। अब 375 को अगर हम 73 से गुणा करेंगे तो 7 3 21, 5 26 27, 27,000 ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा हमारा, दस में मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है टू कॉस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। फ्रेंड अगर हम चाहें तो हम इस वाले को ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन रख के क्या मतलब एंगल की वैल्यू रख के कर सकते हैं, मगर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 15 मिनट लग जाएंगे सभी के एंगल को चेक करते करते आपको 15 20 मिनट तो लग ही जाएंगे आराम से। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। हमको मालूम है कि कॉस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin2, तो 2 cos x² क्या हो जाएगा, 2/sin2 एक्स, और हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos² तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 - cos², ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2/1 - cos और 1+cos, क्योंकि a² - b² क्या होता है, a+b और a-b, मैंने वही कर दिया। अब cos होता है 1/sec, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 into sec-1, ऊपर पहुंच जाएगा
2 sec. और सिमिलरली यहाँ से भी वही आ जाएगा, sec प्लस प्लस 1. यानी कि आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए हमारा नीचे sec माइनस 1 और sec प्लस 1 बचेगा और ऊपर 2 sec आना चाहिए, 2 sec. ठीक है, तो 2 sec किस में आ सकता है, ऑप्शन sec ए 2 sec, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आ जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे ना तब वैल्यू को चेंज हो सकती है, मगर लास्टली पूरा मैंने एक दो स्टेप अब यहाँ पे स्किप किए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. बस एक छोटा सा अप्रोच है कि हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है ना, आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर तो स्क्वायर आना चाहिए सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर ही आएगा लास्टली. हम जब काट पीट के जब लास्टली आखिरी लाइन पे पहुँचेंगे तब जाके हमारा आंसर यही आ जाएगा, मगर पूरा टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा अगर हम बिना टाइम वेस्ट करे ही आंसर तक पहुँच गए. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि लास्टली हमारा मोटो वही होना चाहिए कि हमें आंसर तक पहुंचना है किसी भी तरह. अगर कोई एक बेवकूफ़ लड़का है उसने 50 के 50 क्वेश्चन मैथ्स में कर दिए और आप इंटेलिजेंट हो, आपने 50 क्वेश्चन नहीं किए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. सिलेक्शन उसी का होगा जो सारे के सारे क्वेश्चन अप्लाई करेगा, कर पाएगा. ठीक है, तो आपको किसी भी तरह क्वेश्चन को टिक करना सीखना है, ना कि मैथ्स सीखनी है. अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या है. तो किसी भी एक को ऐड कर लो, ठीक है, और 5 से भाग कर देंगे क्योंकि सब 5 से भाग हो सकते हैं. तो एक बार देख लो, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 20 80, 80 और 50, 80 और 50 130, और 130 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 26. लड़कियों के रेशियो में 26 होना चाहिए, देख लो एक बार ये ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन नंबर 2. लड़कियों की बात करी थी मैंने तो लड़कियों में 26 एक में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके. इस क्वेश्चन में बताना होगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 से ज़्यादा हैं मगर 40 से कम है मार्क्स. तो ये कम्यूटेटिव डेटा है तो हमें इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम इंडिविजुअल कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को ऊपर से माइनस करके. ठीक है, तो अभी हमें 30 से अबव के निकालने हैं, 30 से अबव के 44 दे रखे हैं मगर उसमें से 25 बच्चे 40 से अबव भी हैं, तो 30 से अबव वाले कितने हो जाएंगे, 19. क्योंकि अगर हम 25 को 19 में ऐड करेंगे तभी जाके 44 आएगा. अब 56 ऐसे हैं जिनके 20 के ऊपर है मगर उसमें से 44 ऐसे हैं जिनके 30 से भी ऊपर है, तो हमारे 20 से अबव वाले कितने हो जाएंगे, 20 से अबव वाले हो जाएंगे 12. तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 19 प्लस 12 9 दो 11 31 31 आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो किसी ने सौ लगा के आत्महत्या कर ली. चलो खैर, होता रहता है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2013 के अंत में किसी देश की जो जीडीपी थी 500 रुपये थी, 500 मान लेते हैं, ट्रिलियन ट्रिलियन तो बोलने की बात है. अब हमें बताना है कि 2015 की शुरुआत में कितनी जीडीपी थी. फ्रेंड 2000 शुरुआत का मतलब है कि 2014 के अंत में, और 2014 के अंत में क्या दे रखा है, 8% ग्रोथ है जीडीपी. तो 500 का 8% कितना होता है, 40, 8 में 40, तो 540 रुपये जीडीपी होगी, मतलब 540 ट्रिलियन, 5.4 ट्रिलियन. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2. सॉरी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके. अपने को किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के नंबर दे रखे हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस और आर्ट्स के. ड्राइंग के मतलब आर्ट्स की यहाँ पे जगह ड्राइंग होना चाहिए, खैर. और अपने को बताना है, अभी ये भी दिया हुआ है कि इस स्टूडेंट के कम अटेंडेंस की वजह से सभी सब्जेक्ट्स के 5-5 अंक काट दिए गए, तो काटने के बाद उसका नेट एवरेज क्या होगा. तो हमें करना क्या पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद 25 कम करने पड़ेंगे क्योंकि माइनस करने हैं
पुअर अटेंडेंस की वजह से 5-5 नंबर हर सब्जेक्ट से कटेंगे तो 25 हो गए ना, तो एक बार इनको ऐड कर लेते हैं, तो 55 और 55 110, 110 और 140 250, 250 और 55 205, अब 205 से माइनस 25 कर दो तो कितने बचे 180, सब्जेक्ट है 5 तो 5 से भाग कर दो, 5 3 15, 36% आ गया, बड़े कम है यार, 5 3 15 3, हाँ 36 ही आ रहा है। रुकिए फ्रेंड, लगता है मैंने कुछ एडिशन में गड़बड़ी कर दी, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, एक बार फिर देख लेते हैं। 70 70, 140 140 और 110, 250, ठीक ही लग रहा है 250, ओके ओके ओके, 305 है, मैंने तब 205 कर दिया था, ठीक है। 305 में से जब अगर आप 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा 280, हाँ अब आ जाएगा, अब 5 से भाग करना है, 55 25, 56 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत फर्जीवाड़ा। ओके, तो हमने आंसर तो देख ही लिया था, 56% इसका आंसर था और आंसर भी 56% आ चुका है। तो और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी था फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।